सो गाइज, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पेन ईयर बाय में फ्री वाले में क्या ऑप्शन रहता है और हम लोग जो 1000 रुपया में जो लॉगिन आईडी लेंगे तो उसमें क्या बेनिफिट रहेगा, यानी पूरे अगर हम आधार कार्ड से भी मनी विड्रॉ कर सकते हैं, आधार कार्ड से बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, ये सब प्रोसेस जो है हम लोग और ये सब जानकारी और ये सब फैसिलिटी हम सबको कब मिलेगा। तो ये सब अगर आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर आपसे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके पे नियर बाय अप्लीकेशन के बारे में। गाइस बता दूँ इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया हूँ जो कि आप सबको इस वीडियो के आई बटन पे भी मिल जाएगा, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ में इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो लास्ट में भी आपको इस वीडियो का आइकन आपको शो हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले बता दूँ कि आपको पे नियर बाय अप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो डाउनलोड करने के बाद फाइनली ओपन पर क्लिक कर दीजिए। चलो फाइनली मैं ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस मैं फाइनली ओपन पर क्लिक कर दिया हूँ। ओपन पर क्लिक करने के बाद देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो गाइस मैं बता दूं अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप सबके लिए मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेके आता रहता हूं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस सबसे पहले अगर आप लॉगिन बनाकर अगर रखे रहेंगे तो आपको ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, बट मैं ऑलरेडी इसमें लॉगिन आईडी हो चुका हूं, तो हमको सिर्फ एक पिन कोड मंगाया जा रहा है। चलो फटाफट मैं पिन कोड देके इसके मैं आएगा प्रोसेस इसमें पहले कर लेता हूं। तो चलो फटाफट मैं अपना एक पिन कोड डाल दिया हूं, जो मैं आपको एरिया का पिन कोड रहता है वो पिन कोड डालना पड़ता है, लेकिन जब एक बार आप अपडेट कर देंगे तो आपको दोबारा जो है ये पिन कोड मांगने की जरूरत नहीं रहेगा। तो आप सब एक ही जब आप लॉगिन आईडी करेंगे तो उसी टाइम आपको हर कुछ फिल कर दीजिए। तो गाइस मैं ऑलरेडी ये सब करके रखा हूं, बट फिर भी मेरी एक अपडेट करने के लिए छूट गया था, इसके लिए मैं दोबारा इसको अपडेट कर रहा हूं। तो अगर गाइस आप सबको देखना है कि किस तरह से अकाउंट क्रिएट होता है तो आप सबको ऊपर वाले जो आपको आइकन के ऊपर जो एक वीडियो दिख रहा है वो वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके किस तरह से पे नियर बाय का अकाउंट क्रिएट होता है। तो गाइस फाइनली जो अपना मैं एरिया का पिन कोड डाला तो फाइनली आप मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है, यानी अपडेट करना एक बार करना पड़ता है, तो एक मैं फाइनली इसको मैं अपडेट कर दिया हूँ। अपडेट करने के बाद गाइस फाइनली आपका जो नियर बाय एप्लीकेशन है, आपका ये पे नियर बाय एप्लीकेशन आपका चालू हो चुका है। तो गाइस सबसे पहले आपको जो भी इसका पैकेज चाहिए तो पैकेज की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि आप सबको एक फ्री में मिलता है, यानी आप इसमें से बहुत सारा मनी ट्रांसफर जैसे होता है, जो मनी ट्रांसफर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें हमको बताया जा रहा है कि आप अभी तक KYC नहीं किया, अगर KYC करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपया पे करना पड़ेगा तो जाकर आपका KYC होता है, यानी उससे पहले आप सब ये मनी ट्रांसफर का सुविधा नहीं ले सकते हैं। साथ में क्लेम का मैं तो बात हूँ, यानी क्लेम कोई भी आपका पैसा फंस गया है तो ये क्लेम का सिर्फ आप सबको इधर से फैसिलिटी अनेबल है, आप सब क्लेम का फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। साथ में बैलेंस इंक्वायरी की अगर बात कर लेता हूँ तो बैलेंस इंक्वायरी आप सब इसमें नहीं कर पाएंगे। तो आधार विड्रॉ की हम बात कर लेते हैं, आधार विड्रॉ भी आप नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको फैसिलिटी आपको इनेबल करना ही पड़ेगा। अगर SMS की बात हम कर लेते हैं, SMS पेमेंट का, तो इसके लिए भी आप सबको जो है पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। साथ में एक ऑप्शन दिया गया है कस्टमर खाता का, तो खाली आप कस्टमर खाता को जो आप क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट कर सकते हैं, यानी क्रेडिट कार्ड का अमाउंट अभी आप रिसीव कर सकते हैं। अभी आपको जो इनेबल दिया गया है खाता वाला ऑप्शन देखिए, इसके लिए आपको जितना भी अमाउंट क्रेडिट कार्ड से चाहिए इसका आप एड अमाउंट पर क्लिक कीजिए, आपको जितना भी अमाउंट चाहिए क्रेडिट कार्ड का, तो एग्जाम्पल पर मैं 100 लेता हूँ। 100 पर लेने के बाद फाइनली एक ऑप्शन इधर आपको मिलेगा कैश का, उसके बाद खाता का और डिजिटल का, तो फाइनली आप डिजिटल वाले पे एक बार क्लिक कर दीजिए। उसके बाद गए देखेंगे इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आधार पेमेंट का और साथ में SMS पेमेंट का, यानी SMS पेमेंट से क्या होगा आपको इधर जो भी है आपका मिलेगा, आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमको बताया जाएगा कि इसके लिए आपको KYC करना कंपलसरी है, बट ये नया नया अपडेट इसमें आता रहता है इसके लिए, यानी इससे पहले जो है आपका क्रेडिट कार्ड का अगर बिल पेमेंट करना चाहते थे तो आप सब कर सकते थे, बट अभी जो इसका इसके लिए भी इसका जो आपका पेमेंट देना ही पड़ेगा 1000 तो जाके आप इसका भी यूज कर पाएंगे, बट इससे पहले ऐसा होता नहीं था, बट जो नया इसमें अभी जो अपडेट हुआ है ना इसके लिए ऐसा अभी हो रहा है। चलो मैं आपको दिखा दूँ इसका पैकेज क्या है और किस तरह से आप सब पैकेज ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा 3 डॉट पर क्लिक, तो चलो पहले मैं 3 डॉट पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस मैं फाइनली 3 डॉट पर क्लिक कर दिया, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद गाइस एक ऑप्शन को इधर मिलेगा अपग्रेड पैकेज का, तो फाइनली आप अपग्रेड पैकेज पर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस मैं फाइनली अपग्रेड पैकेज पर क्लिक कर दिया हूँ। तो गाइस देखेंगे जैसे आप अपग्रेड पैकेज पर क्लिक कर दें, तो गाइस जैसे आप अपग्रेड पर क्लिक करें तो अपग्रेड में क्लिक करने के बाद इधर आपको बताया जा रहा है कि आपको 1000 रुपये अगर आप पे करते हैं तो उसमें आप सबको बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा, जिसमें आपको डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, रिचार्ज का फैसिलिटी मिलेगा, बिल पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, बस बुकिंग का मिलेगा, और आप सब एक्सेप्ट कार्ड का पेमेंट आप कर सकते हैं, साथ में आधार कार्ड का भी ATM आप सबको सुविधा मिलने वाला है। उसके बाद गाइस फ्री वाला बात कर, जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आपको एक मिलेगा ऑप्शन आपको 2700 रुपये का, जो 2700 में आप सबको मिलने वाला है डोमेस्टिक का रिचार्ज, जैसे मनी ट्रांसफर हुआ, रिचार्ज, बिल पेमेंट, बस बुकिंग। उसके बाद फाइनली आप जो फिंगर स्कैन डिवाइस वाला है तो उसका अगर सुविधा अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 2700 रुपये में मिलने वाला है। अगर आप आधार ATM सुविधा आप लेना चाहते हैं तो यानी सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा, आपको 2700 रुपये में आपको मिलने वाला है। तो गाइस उसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ, आपको जो फ्री वाला आप अगर पैकेज आप लेंगे तो फ्री वाला पैकेज में गाइस आप सब, अभी इससे पहले क्या होता था कार्ड का
पेमेंट मिलता था, बट आपको अभी भी ये भी है बंद करके रख दिया है, क्योंकि आप सबको मालूम है फ्री में जो भी अकाउंट ओपन होता था उसमें इसी में क्रेडिट कार्ड सुविधा मिलता था, बट अभी ये भी बंद कर दिया, क्योंकि बहुत सारा बंदा क्या करता था, जो भी उनके पास कुछ भी सुविधा नहीं है, जैसे कि कोई दुकान भी नहीं है, फिर भी ये एप्लीकेशन को यूज करता था और क्रेडिट कार्ड का मनी विड्रॉ करने के लिए ये एप्लीकेशन को यूज करता रहता था। इसके लिए फाइनली इसका भी जो है पैकेज लगा दिया गया है। अगर आप सब पैकेज लेना चाहते हैं तो या तो 1,000 रुपया इन्वेस्ट कीजिए या तो 2,700 रुपया आप इन्वेस्ट कीजिए, पूरे एक साल के लिए रहता है। तो एक साल तक अगर हम सजेस्ट करेंगे, आप अगर आपके पास कोई दुकान है तो आप सब दुकान का फैसिलिटी अगर लेना चाहते हैं आप 2,700 रुपया दे के ये फैसिलिटी ले सकते हैं, जो कि आप सबके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। साथ में इसका जो कमीशन रहता है, कमीशन भी बहुत अच्छा खासा रहेगा, और जिसमें आप सबको देखेंगे एक माइक्रो ATM का भी सर्विस दिया जाएगा और फिंगर स्कैन डिवाइस का भी सुविधा दिया जाएगा, यानी हर कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप सबके लिए जो भी इधर आप देखेंगे कितने दिन के लिए दिया गया है, यानी लाइफ टाइम के लिए आपको 2,700 रुपया दिया गया है, तो आप लाइफ टाइम इसको यूज कर पाएंगे। अगर आप यही इसको 1,000 रुपया अगर आप देते हैं तो आप इसको भी लाइफ टाइम यूज कर पाएंगे, बट इसमें जो है फिंगर स्कैन डिवाइस का आपको सुविधा नहीं मिल रहा है, बट इसमें माइक्रो ATM का सुविधा आप सबको मिल रहा है। तो गाइस अगर आप सब जो भी इंटरेस्टेड है इसमें से आप सब ले सकते हैं, लेकिन हम तो आपको अगर सजेस्ट करेंगे तो अगर आप फ्री वाला लेते हैं तो आप सबके लिए फ्री वाला कोई काम का है ही नहीं। तो लेकिन अगर हम मेरा बात मानना चाहते हैं तो 1,000 रुपया इन्वेस्ट कीजिए, 1,000 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद फाइनली आप माइक्रो ATM सर्विस ले लीजिए, APS का AEPS का सर्विस लीजिए जो कि आधार ATM कार्ड होता है, एक्सेप्ट कार्ड पेमेंट यानी कोई भी कार्ड का पेमेंट आप सब कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड हो डेबिट कार्ड हो आप सब हर कुछ इधर से एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिल पेमेंट तो इधर से आप कर सकते हैं, बस बुकिंग कर सकते हैं और रिचार्ज का आप सबको सुविधा रहेगा। तो गाइस ये था एक इसका पैकेज जो कि 1,000 और 2,700 का है और एक है फ्री वाला कोई काम का नहीं है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ तो 1,000 वाला ले लीजिए, आप सबको बहुत सारा बेनिफिट देने वाला है। तो गाइस ये था एक अपग्रेड कि किस तरह से आप सब अपना अपग्रेड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। सो आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो आप सब कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।